हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेटेस्ट किटी पार्टी गेम्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ग्रुप गेम लेकर आई हूँ। जैसा कि मेरे पास मेंबर्स की डिमांड आ रही है, मैम ग्रुप गेम लेकर आई है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ग्रुप गेम लेकर आई हूँ। जो आप अपनी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी आप करा रहे हैं, तो उसमें इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल गेम है और नो प्रिपरेशन गेम है। तो इस गेम को खेलने के लिए आपको एक डाइस की और कुछ आप चने या राजमा, टॉफीज या फिर कोई कॉइन्स या फिर हाउजी के काउंटर, सब कुछ भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। सिंपल आपको 10 से 15 वो चीजें चाहिए जो आपने ली हैं। टॉफीज ली हैं तो आपको 10 से 15 चाहिए, और अगर आपने राजमा चने लिए हैं तो वो आप एक मुट्ठी भर के ले सकते हैं, और कॉइन्स भी ले सकते हैं। तो इसमें ग्रुप गेम है, तो सारे मेंबर्स गेम को साथ में खेलेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम है। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इसी तरीके से मजेदार गेम्स आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी से गेम का डेमो देके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने चने और राजमा ले लिए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चने और राजमा ले लिए, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैंने 1 और 2 और ये 3 एंड 4, ये मेरे मेंबर्स हैं। यहाँ पे मैं आपको 4 मेंबर का गेम बता रही हूँ, लेकिन आपकी किटी में जितने मेंबर्स हो आप उसमें इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट मेंबर है, इसको सबसे पहले डाइस रोल करना है। इसने चला, इसका आया 1, तो ये खुद जहां से जो मेंबर डाइस रोल करेगा, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो एक चना इसके पास रख लिया जाएगा। फिर इसने चला, 5 आया है, 1 2 3 4 5, तो ये अपने पास एक रख लेगा। अब आया 4, 1 2 के बाद 3 नंबर वाले ने चला, तो अब आया 4, तो 1। फ्रेंड्स सॉरी, मैं आपको यहीं से बता देती हूँ क्योंकि मैंने इसी तरीके से काउंटिंग की थी, तो मैं ये वाला इधर रख देती हूँ, ये वाला मैं इधर रख देती हूँ। अब आया 4, तो 1 2 3 4, ये वाला इसके पास। अब फ्रेंड्स, इसकी चांस आई है, तो इसने डाइस रोल किया, तो इसका आया 2, तो 1 एंड 2, तो आप देख सकते हैं ये इस पे रख लेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा एक राउंड हो जाता है कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने आपको 4 मेंबर का गेम बताया, लेकिन आप जितने भी मेंबर्स हैं उसमें इस गेम को कराएं। ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स होते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग ये गेम हो जाता है। जैसे कि हमारा 1 राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया, तो अब ये आप देख सकते हैं इसके पास 2 नंबर वाले के पास 2 है और 1 नंबर वाले के पास भी 2 है, तो ये दोनों इसमें अपने वापस से डाल देंगे। और ये जो जिनके पास कुछ नहीं आया था, जैसे इसके पास और इसके पास, ये हो जाएंगे हमारे गेम से आउट। तो अब इन्हें हम कर देंगे गेम से आउट। अब हमारे पास बचे हैं 2 मेंबर्स, तो अब क्या है, यहां से गेम स्टार्ट होगा। अब इसने चला 5, तो 1 2 3 4 5, इसके पास ये आ गया। अब सेकेंड मेंबर की चांस आई, तो सेकेंड मेंबर ने जैसे डाइस रोल ऑन किया, फिर इसने डाइस रोल ऑन किया, इसका आया 2, तो 1 एंड 2, तो इसके पास ये आ गया है। अब ये बच गया है। तो फ्रेंड्स, इस वाला राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, तो हम इसको भी कर देंगे गेम से आउट। तो अब हमारा ये वाला मेंबर बचा जिसके पास ये थे, तो ये हमारा हो गया गेम का विनर। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करना है, जितने मेंबर्स हैं सबको बिठा लेना है, सबको डाइस रोल ऑन करना है, और जो नंबर आता जाएगा उससे आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, और जिसपे आएगा उसे एक वो दे देना है। फिर लास्ट में जो मेंबर के पास कुछ नहीं आएगा वो तो हो जाएंगे गेम से आउट, और जिनके पास आया वो गेम में रहेंगे। फिर आप दोबारा से उन्हीं में गेम को कंटिन्यू करेंगे। फिर दोबारा से आपको एक राउंड कंप्लीट होने के बाद उसको देखना है कि किसके पास है, जिसके पास है वो गेम में इन है, और जिसके पास नहीं है वो गेम से हो जाएंगे आउट। इसी तरीके से राउंड कराते जाएंगे, एक एक राउंड के बाद आपको चेक करना है, और फिर लास्ट में जो मेंबर बचेगा वो गेम का विनर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप इस गेम को खेलिए, बहुत मजा आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।